आराम से 20 फुट से ज़्यादा ही, ये आराम से इतना। और 60 हाथी हैं, 60-60 मायने रखता है यार। 60 दो तीन डिग्री टेम्परेचर पड़ेगा नखलों में, इतना पत्थर लगा रखा है, ये देख सकते हो आप। ये सारा है उसी का है। शूज़ उतार के अब अंदर जाएंगे। सामने मायावती खड़ी है, मायावती का पोस्टर। श्रीकाल जी, श्रीकाल, श्रीकाल जी। एक और चीज़ भाई, ये ना 2008 में 14 अप्रैल 2008 में बनना स्टार्ट हुआ था और एक साल में ये पूरा कंप्लीट हो गया था। ये भाई 108 एकड़ में ये पूरा स्ट्रक्चर बन रखा है, 108 एकड़ में। और देखिए यार कितना बड़ा भाई, कितना बड़ा। सामने कुछ ऐसा बना रखा, ठीक है। नमस्ते भाई, मैं आपका भाई गुरबाज मलिक, आप देख रहे हैं व्लॉग्स। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। आज देखने जाना है अहमदगढ़ मेमोरियल पार्क, जिसको यहाँ पे लोकल भाषा में बोलते हैं हाथी पार्क, क्योंकि वहाँ पे हाथी बहुत बना रखे हैं। मोरिया पार्क तो उसके आगे है, और बाकी अंकल की बात बताइए अंकल। मोरिया पार्क और उसके आगे है, और जिसमें हम लिए जा रहे हैं वो उससे भी बढ़िया है, जहाँ हम लिए जा रहे हैं 1090 के पास, हाथी पार्क। हाथी पार्क क्या था? हाँ, मायावती ने बनाया था। हाँ, उसकी अंकल फीस भी है, टिकट है उसकी कुछ? हाँ, टिकट है। अच्छा, मौर्या जो पार्क बना रहे हैं, बता रहे हैं जी। अरे वो तो बिल्कुल बेकार है, वहाँ पर नहीं जाना। यहाँ से कम 3 किलोमीटर है, ठीक है। मगर वहाँ सही है, जहाँ हम आपने बता लिया है, गोमती नगर में हाथी पार्क। हाँ, अरे उसको क्या देखना, कितनी भीड़ लगी हो। लव यू अंकल आपसे यार। अंकल कह रहे हाथी पार्क जाओ, मेमोरियल पार्क मत जाओ। अंकल ठीक है अंकल, जो आप कहेंगे वो लाखों पे। मेमोरियल पार्क छोटा पार्क बना है, ठीक है अंकल। यहाँ पे अंकल घूमे हो यार, है ना, जिंदगी निकल गया आपकी अंकल यार। मैं और हूँ नए वासी के साथ गुरवीर से। अब कहेंगे हाथी, अंकल कह रहे हैं वहाँ पे 20,000 हाथी हैं, मतलब स्टैचू बना रखे हैं हाथी के, मज़ा आ जाएगा। वहाँ पे जाकर दिखा, मूर्ति बहुत तगड़ी है वहाँ पे, दिखाएंगे। जहाँ पे हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे ना कह रहे हैं कि इतना पत्थर लगा है, इतना ये स्टोन लगा है, उसके कारण उसी का बनाया, ठीक है अंकल। ये सब उसी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पार्क वो नहीं है, एंट्री नहीं है। और कह रहे हैं कि इतना पत्थर लगा ना, उसकी वजह से नखलों में 2-3 डिग्री टेम्परेचर पड़ेगा नखलों में, इतना पत्थर लगा रखा है, ये देख सकते हो आप। ये सारा है उसी का है। हाँ जी अंकल, अंकल ये तबका बहुत है ना, सही बात है। कौन सा जयपुर का पत्थर है भाई? जयपुर से आया है, सब के आगे। अरे सब जयपुर का पत्थर है भाई, राजस्थान जयपुर। अंकल कह रहे हैं अगले महीने इतनी गर्मी हो जाती है और इतना ये जलता, मतलब तपता बस शाम को 6 बजे देखने भीड़ होती है। हाँ, कि चावल इसके ऊपर रख दो तो खिचड़ी बन जाएगी, इतना मतलब चावल बन जाएंगे, इतना मतलब कि चल दबता है ये, मतलब इतना टेम्परेचर हाई रहता है इसका। और इसको सिर्फ अब अगले महीने से शाम को 6 बजे भीड़ आती है, क्योंकि सुबह दोपहर में कोई देख नहीं सकता, इतनी ठंड, इतनी गर्मी होती है। और ये देख सकते हैं आप, ये सब उसी का पार्ट है। और ये देखिए सब, ये बड़ा चौक, और ये देखिए सारा कुछ उसी का। गेट आ गया, ये हाथी आ गए, और ये गेट आ गया। ये देखिए सब उसी का बना रहा, इधर भी इधर उसी का भाई, बहुत यूज है यार। अभी आप सब एक्सप्लोर करेंगे आज, चिंता किस बात की, कोई बात चिंता नहीं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके जाना, करते हैं देखते रहना पूरी वीडियो, पूरा ब्लॉग देखना करते। ये देखिए ये नदिया, ये नखलऊ का जो आईपीएल हो रहा है उसका ये उसके होम ग्राउंड है नखलऊ का। सुबह बना है वह मूर्ति देखिए,
जी। हाँ और क्या, देखिए तो सफेद बने हुए हैं मूर्ति, माया ने बनवाया। हाथी हाथी बन नजर आ रहे हैं। अंकल ये कौन सी, ये कौन सी नदी है? ये गोमती नदी, गोमती 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 रिवर है। ये देखिए वो झंडा लहरा रहा है वहाँ तक का है। ठीक है, बहुत ही है भाई। ये देखो ना, ये देख सकते हैं आप, है ना। देखिए इधर भाई, ये देखिए अंकल साफ का, अब मेडिकल साफ का पानी बनाया हुआ है। ठीक है अंकल, कई मेडिकल कॉलेज अंकल की, अंकल कह रहे हैं। ये देखिए यार, ये देखिए यार क्या आया क्या भाई, ये बोले वो हाथी को देखिए अंकल। नीचे ताज होटल बना है, एक वो होटल। ठीक है अंकल, ताज होटल है ये, ताज होटल बहुत मुंबई का माना हुआ है। ठीक है, ये मुंबई है ना, ये मुंबई की ब्रांच है यहाँ पे, जो ताज होटल मुंबई में है उसका ये ब्रांच है। यहाँ पे आइए ताज होटल, और ये देख सकते हैं आप, एक ये होटल है। उधर उस साइड हाथी हैं, वो भी दिखाएंगे आपको, ये सब एक्सप्लोर सब कुछ करेंगे आज। पैंट छा दे रहे आईको की बस, और चावल छोले खा के साथ में स्प्राइट पी के फिर अंदर चलते हैं, क्योंकि अंदर गर्मी बहुत है। जो ये मार्बल लगा ना, ये जो पत्थर लगा है, ये बहुत तपता बहुत है, इस कारण अंदर जाके आप दिखाएंगे आपको सब कुछ। मौज मार रहा। और सब्सक्राइब, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके जाना। चंगा कर जैसा है, देख सकते हैं आप, इसे लोकल भाषा में बोला जाता है हाथी, हाथी पार्क। टिकट बताएंगे नहीं पता भी इंटरव्यू और कुछ इंटर होते सर। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड टिकट काउंटर आया था, और कुछ ऐसा माहौल। ये ना योगी जी ने नहीं बनाया, ये सारा कुछ मायावती ने बनाया। वो जो मायावती की पहले सरकार थी यूपी में, उन्होंने ये सब कुछ बना रखा। ये सारा एक्सपोर्ट हुआ है जयपुर से, सारा ये मार्बल पत्थर जितना भी है सब एक्सपोर्ट हुआ है जयपुर से। प्राइस प्राइस 15 रुपये की टिकट, एक जाने के 15 रुपये की टिकट। अंकल जी कह रहे थे कि गरमैश बहुत है, वो यहीं से महसूस होने लगी गरमैश को। यहाँ सब पानी होता है, पानी इस टाइम भरा नहीं गया, पानी क्यों, यहाँ पे सब पानी है। उधर भी सेम ऐसा ही है जैसा है। और कुछ ऐसा गेट पर मेन गेट तो हुआ, पर ये भी मेन गेट है, क्योंकि यहाँ पे टिकट लेके अंदर एंट्री होती है, यहाँ पे अलाउ हुआ बिना टिकट के। थम्बर देख सकते हो, चार उधर चार इधर, और ऐसा कुछ नज़ारा। ये VIP लाउंज है, लाउंज है, सब VIP अंदर जाते हैं, यहाँ पे टिकट लेके यहाँ से आ जाते हैं। ये मेन गेट, उधर से एग्जिट। ऐसे तुम काम को झूठ बोलते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाया, क्या हुआ यार इतना ह्यूज। ये देख सकते हो यहाँ से अभी इंटर, और सामने एक साइड ये और दूसरी साइड ये, और उसके इधर बैक साइड ये। ठीक है, पास में तो क्या नहीं देख सकते आप। ये देखिए इधर देख सकते हैं स्क्रीन शॉट, मेन गेट, और ये ऐसा कुछ इधर सीन है। ये हाथी साफ देख सकते हैं, सब ये हाथी इसके ऊपर चलते हुए जहाँ वो लड़के आदमी खड़े वहाँ पे चल रहे हैं भाई, ऐसे 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 ऊपर, वहाँ से सीन दिखाएंगे आपको। अगला सीन देखना कितना बढ़िया होगा। देखिए देखिए कितना ह्यूज लगा भाई, देखिए छोटा सा गेट है, ये देखिए कितना बड़ा बना रखा, सब खाली पड़ा है। लाइटें हैं ये सब लाइटें देखिए, पानी भी ये फिर लाइट है यार इसके अंडर। ये जब ऊपर पड़ती हुई ना लाइट, इतनी मस्त लगता हुआ उधर देखने में, ये सब लाइटें देखिए यहाँ पे पड़ी हैं, पड़ती हुई लग रही है ना। देख सकते हैं आप यार, ये मायावती तुमने बहुत तगड़ा बना दिया।
इसको इतना चढ़ा ऐसा कुछ ना रखा है ऊपर जाने के लिए। आवाज़ सुनना इसके, क्या कर रहे हैं शूज। ये देखिए आप यार माहौल, ऊपर चढ़ के दिखाएंगे आपको, इतना मज़ा आएगा ना यार जो कैमरे में दिखा नहीं पा रहे आपको। इतना तगड़ा व्यू है ना, ये इतना तगड़ा व्यू है भाई। ये देखिए ये लड़के मौज मार रहे हैं पूरे, इतना तगड़ा व्यू है ना भाई, ये हम बता नहीं सकते, हम आपको बता नहीं सकते इतना तगड़ा। ये देखिए जो आँखों से देख सकते हैं ना, तो कैमरा से कभी नहीं दिखा सकते आपको, ये सबसे बड़ी बात है। ये देखिए गेट ना धूप पड़ रही है, गेट कितना ह्यूज है अभी, यहाँ पे भी जाइए। ये हाथी लगे, वो हाथी देख कितने बड़े बड़े, बहुत हाथी है भाई, हाथी सरकार थी यार, हाथी हाथी कर दिया उनका, क्या जा रहा है। मायावती ने इतना ह्यूज बना दिया ना, अभी ऊपर चल के दिखाए हैं, ऊपर चल के भाई ऊपर से मायावती ने बना दिया ना, उसके अंदर ना कोई वो उसके अंदर कुछ मूर्ति लग रही है, आपको दिख नहीं रही, हमें दिख रही थोड़ी वाइट वाइट कलर की मूर्ति लग रही है कुछ। देखिए यार ये ऐसे पौड़ियाँ सीढ़ियाँ, ये ऐसी सीढ़ियाँ इधर को भी ऐसे, ये भी पौड़ी सीढ़ियाँ। आगे बना रखी ना वो बिल्कुल डिट्टो सेम, पीछे बना रखी है डिट्टो सेम है डिट्टो। ये देखिए ये भी, ये पिछला साइड है उसका, हम आगे से उधर वो दिखा रहे थे ना आपको, ये बैक साइड है उसका, देख सकते हैं वो वहाँ पे हमने आपको दिखा चुके हैं पहले, और इधर भी दिखा चुके वो रोड पे हम आए थे। कितना ह्यूज है अभी ये ऊपर, क्या बना दिया मायावती, और क्या बता दिया मायावती ने, क्या बना दिया मायावती ने। ये भी सेम है और सीढ़ियाँ देखिए बिल्कुल सेम, और वहाँ से हाथी स्टार्ट होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे जल्दी, आप ऊपर चढ़ के दिखाएं आप कुछ बिल्कुल ऊपर से कुछ ऐसा भी आता है, ये सब हाथी हाथी, अभी हाथी गिन के बता रहा हूँ, अभी दो मिनट रुकी है हाथी अभी गिन के बताएंगे। और ये देखिए व्यू, और वो जो झंडा लगा ना वो इंडियन झंडा लगा इंडिया का, ये यहाँ तक है, और आगे भी इसके बाद क्या क्या बना रखा कुछ ऐसा, ये गार्डन थोड़ा सा लगा रखा, ये पेड़ पौधे लगा रखे बीच में। और भाई इस कारण इसका नुकसान सिर्फ एक ही है, इस कारण नखलऊ का टेम्परेचर 2-3 डिग्री बढ़ गया, जहाँ पे पहले 32-34 रहता था वो अब 36-38 रहने लग गया, इससे ये थोड़ा हुआ क्योंकि ये जयपुर से आई भाई, सब कुछ ये सारा कुछ से सब टेल सारा कुछ ये डिटेल है, इतनी जितने हाथी बने और इतना सब कुछ है, ये सब कुछ है ना जयपुर से आया है, और जयपुर में राजस्थान में पड़ता है, सब कुछ वहाँ से आया क्योंकि वहाँ पे ही एक जयपुर में ही इसकी सुरंगें हैं मार्बल्स की, इस कारण सब कुछ जयपुर से इंपोर्ट करा गया है, सरकार थी भाई बड़े काम इनके। हाथी बता रहे हैं भाई 60 हाथी हैं, 60 हाथी बना रखे हैं, अभी दिखाएंगे पास में जाके, बहुत बड़े बड़े बता रहे हैं, 30 इधर हैं 30 उधर हैं, 60 हाथी, और वहाँ पे खींचते खड़े होकर फोटो इतनी बढ़िया आई ना, क्योंकि वो देखिए फ्रंट बैक साइड बिल्कुल सबसे बैक ये भी है, ये पता क्या बना रखा है यार, हमें इतना नॉलेज नहीं इसके बारे, ये भी और सब हाथी हाथी हाथी, मज़ा आ जाएगा। पीपल का पेड़ भी बीच में, और इधर भी ऐसी सीढ़ी बना रखी है, और बाकी आप देख सकते हैं
ये आ गए हम बीच में, देखिए कुछ ऐसा बना रखा, ठीक है। और इस साइड दोनों साइड से सीढ़ियाँ जाती हैं और बीच में एरियल सीढ़ी है स्टेप वाली। ओके नीचे चल के दिखाते हैं वहाँ पे, ये थंबड़ देखिए भाई कितने हाथी होंगे यार, हर थंबड़ के ऊपर चार चार हाथी, पांच पांच हाथी हैं। ये पहचान बन गई सरकार थी हाथी की कभी। ये देखिए पेड़, पेड़ देख, ये पेड़ देख सकते हैं कैसे डिजाइन कर रखा है। देखिए पेड़ क्या डिजाइन है, ऊपर से क्या कटिंग है और नीचे से क्या डिजाइन है। और ये दिखाते हैं गाइस, ये देख लीजिए गाइस, ये मैं जूम कर पास करके पढ़ना चाहता हूँ। और ये देखिए सामने, अभी ऊपर जाके आए, अभी अंदर नहीं गए, अभी अंदर थोड़ा देर टाइम बाद में जाएंगे। तो अभी जब दूसरा सारी देख के आएंगे तो सर्किल निकालेंगे, ऊपर जाके आए थे, आपको ऊपर का नज़ारा दिखा दो कुछ ऐसा। दोनों सारे थंबड़ और ये लगा वाटर टैंक मेरे ख्याल से, क्या है लाइट्स हैं यार, लाइट्स हैं और कुछ नहीं है, ये बीच में लाइट्स हैं और दो तो थंबड़, उसके ऊपर हाथी बन रखे चार चार पाँच चार चार हाथी और कुछ ऐसा। गाइस इसका नाम है अहमदगढ़ मेमोरियल पार्क और इसको लोकल में कहते हैं हाथी पार्क, क्योंकि यहाँ पे हाथी बहुत है। देखिए हर थंबड़ के ऊपर हाथी, चार हाथी एक थंबड़ के ऊपर, इधर थंबड़ है ये देख सकते हैं और बाकी उधर 60 हाथी बड़े बड़े लगा रखे हैं। अब हाथी की सरकार जो भी यहाँ पे आएगा वो कभी भूल नहीं पाया कि यहाँ पे कभी हाथी की सरकार भी रही थी, क्योंकि इतने इतना तगड़ा ये बना दिया, ये इतना सिस्टम, ये इतना इतना तगड़ा ना, ये बता भी सकते आपको यार। और इतना तपता, इतना गर्म है, ये इतना गर्मी है यहाँ पे यार, हर बस अभी तो वहाँ पे जाके आए, इतनी गर्मी लगी, अब यहाँ पे छाई में बैठे, बहुत गर्मी है। एक और चीज़ भाई, ये ना 2008 में 14 अप्रैल 2008 में बनना स्टार्ट हुआ था और एक साल में ये पूरा कंप्लीट हो गया था। ये भाई 108 एकड़ में ये पूरा स्ट्रक्चर बन रखा है, 108 एकड़ में। और ये भाई गोमेद नगर नखलऊ में है ये स्ट्रक्चर, और 108 एकड़ में एक साल में ये पूरा कंप्लीट हुआ था, ये पूरा स्ट्रक्चर बनके एक साल लगे थे। 2008 वो साल था जिसमें ये एक साल में पूरा कंप्लीट कर दिया था। 14 अप्रैल को स्टार्ट किया था, 14 अप्रैल को ख़त्म हुआ था 2009 की, ठीक है। एक साल में ये पूरा कंप्लीट कर दिया गया था और 108 एकड़ का था पूरा, ये जितना ये बना हुआ है ये 108 एकड़ में है नखलऊ के अंदर। और गाइस जो ये आपको सामने दिख रहा है इसके एक राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड एक नाइट व्यू भी, इसका मैं इसकी फ़ोटो मैं डाल दूँगा नाइट में कैसा दिखता है ये। और ये पब्लिक प्लेस है, कोई भी आ सकता है अंदर कोई भी, और ये सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक खुला है, पड़ती है बहुत बढ़िया लगता है। टॉयलेट कहाँ पे, टॉयलेट बताओ, जेंट्स उस साइड लेडीज टॉयलेट है जो एंट्री गेट होगा और लेफ्ट हैंड साइड एंट्री, जब एंट्री करेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड जेंट्स टॉयलेट होगा, राइट हैंड साइड लेडीज टॉयलेट होगा। देखिए गाइस लाइट है, और ये आ चुके हैं इस साइड भी साइड ऑफ। ये देखिए गाइस क्या ह्यूज लग रहा है, कितना ह्यूज लग रहा है, देखिए कितना बड़ा है, कितनी कैमरा तो आपको छोटा लग रहा पर ऐसे देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। अब ये वाला गेट बंद है भाई, ये वाला गेट खुला, अब ये वाला गेट में चल के दिखाते हैं आपको। ये सबसे इसकी ये बढ़िया बात लगती है कि इसकी ना जो सीढ़ियाँ हैं वो छोटी छोटी हैं, अगर बड़ी सीढ़ी हो फिर तो नहीं आदमी चढ़ पाएगा भाई, छोटी छोटी सीढ़ियाँ पता ही नहीं लगता कब आदमी चढ़ जाता है, बड़ी सीढ़ी में चढ़ पाता कभी।
पिलर ही पिलर। देखिए भाई कुछ ये ऐसा वाला रखा है बंदा, ये दिखाएंगे आप हम ऊपर चल के आप। ये देखिए जैसा नारियल के पेड़ के बीच में, और ये देखिए पानी भर रखा है। शूज उतार के अब अंदर जाएंगे। सामने मायावती खड़ी है, मायावती का पोस्टर। श्रीकाल जी, श्रीकाल, श्रीकाल जी। ये देखिए कुछ ऐसा आ रखा है। ये देखिए हैंडल देख ही सकते हैं, हैंडल भी हाथी के सूंड से बांध रखा। और ये गेट ह्यूज, कितना ह्यूज गेट है, पीतल लगे हुए, पीतल है ना, ये पीतल है, ये लोग देख सकते हैं पीतल है। गेट देखिए यार, मैं ओए अकेला, ओए अकेला आदमी तो बंद नहीं कर सकता भाई। तो ये सब गेट है पूरा, ये देखिए ये सारा पूरा गेट है, एक ही गेट है ये, और सेम ही इधर बना रखा है। ये अभी काम चल रहा है अभी इसका। काम देखिए ये भी अभी पेंट हो रहे हैं, ये सब एक ही गेट है भाई। ये भाई 30 फुट का गेट है ये, 30 फुट उधर भी, 30 फुट मतलब 3 मंजिल, 3 बिल्डिंग मतलब 3 फ्लोर। सेम चीज़ इधर है, बस इधर ये जो स्टैचू बने रखे ये चेंज है। सामने जो बीच में मायावती वो सेम है, और ये ऊपर भी बिल्कुल सेम बना रखा, और ये गेट बंद कर रखा। और अभी काम चल रहा है इधर, तभी अंधेरा कर रखा, ठीक है, ज़्यादा अलाव नहीं है। ये भी एक्सप्लोर करके अंदर से दिखा दिया आपको, और वो भी हो गया, ठीक है। वो तो देख लीजिए ऐसे हाथी साइड, हाथी दिखाते हैं आपको डिज़ाइन, पत्थर में काट काट, मार्बल काट काट। इसके उस साइड वाला वो झंडे तक एक ही है सर, इसके उस साइड उस दिन बनाएंगे, आज ये दिखा दे रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, फिर आपको भी इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा देखने का। और हाँ बाहुबली आपको भी इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, और हमें तो क्या यार, हम तो बना देंगे, अभी बना देंगे जाके, पर आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा देखने का। बाहुबली की फीलिंग आ रही है, बाहुबली फिल्म जो इस जिसमें बना रखी है ना, वो बताते हैं वो भी कुछ ऐसा ही बना रखा, कुछ वैसी फीलिंग आ रही है। यार हाथी देखिए खा रहे हैं भाई, यार आदमी कुछ नहीं लग रहा, दिखाएंगे। यहाँ पे ना एक चीज़ तो मायने रखने वाली है, यहाँ पे कोई कूड़ा नहीं है, इतना बढ़िया बना रखा ना, सफाई इतनी बढ़िया है। देखिए यहाँ पे पत्थर भी बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, कोई कूड़ा नहीं, कोई पत्ता नहीं दिख रहा। और आप उधर चलते हैं, और ये हाथी 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 हाथी, ये भी हाथी 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 हाथी, उधर भी हाथी 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 हाथी, उधर भी हाथी 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 हाथी। हाथी ने कह दिया कि अभी मैं पास में जाकर खड़ा होता हूँ, फिर देखना आप हाथी। अरे रे गुरवीर सिंह अभी कोले पास में जा रहे हैं हाथी के, उसका जो उसका बेस है ना, उसका उसका पूरी हाइट के हिसाब से कितना पे आ रही है, जिससे उसका बेस। अब
देखिए हाथ ही देख सकते हो आप यार, कितना ह्यूज है यार ये। 20 फुट का होगा आराम से, आराम से 20 फुट, 20 फुट से ज़्यादा ही ये, आराम से इतना। और 60 हाथी हैं, 60 मायने रखता है यार, 30 एक साइड है, 30 एक साइड है, इतने बड़े बड़े 60 हाथी मायने रखता भाई, मायने। और वो मेरे ख्याल से बन रखा है, ये पूरा स्ट्रक्चर बन रखा है, इसका पूरा मैप बन रखा। हाँ ये मैप है, अभी गूगल सर्च करा भैया, ये पूरा मैप बन रखा है, ये देख सकते हैं, ये पूरा मैप है इसका, कुछ ऐसा बना रखा है। डिटेल देखिए, डिटेल कितनी है भाई, सूंड देख लीजिए डिटेल में, आँखें देख लीजिए, दांत देख लीजिए, नाखून देख लीजिए, इसके सब कुछ रियल लग रहा है, बिल्कुल रियल लग रहा है, बिल्कुल। हाँ कलर हो जाए ना हाथी वाला, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि यही तो हाथी है भाई असल में। ये मजबूती देने के लिए बीच में ये रखा है, यहाँ बैठ के अब थोड़ा मिनट चल मार फिर चलेंगे ओवर। गाइस जो जो ना रह गया है, थोड़ी चीज़ें रह गई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी हमें एक्सप्लोर कर दी, थोड़ा उधर रह गया, ये रह गया इसके पीछे, ठीक ये रह गया, ठीक और कुछ ही रह गया। और ये ना 7 तारीख को फिर से एक और मतलब तारीख पता नहीं, एक और नया उसके ऊपर ना वीडियो आएगी पार्ट 2, वो भी मेक श्योर देखना जरूर, उसके लिए वो जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल, क्योंकि आप देखता भी देख सकते हो, ठीक है इसका, और मौज लेना पूरी। चंगा फिर मिलते एक और नए।